हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग जो है संविधान की श्रृंखला प्रारंभ किए थे, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी ओर हमने देखा था ज्योग्राफी की सीरीज भी हमारी आगे चल रही है, और उसी क्रम में आज से हमने नई शुरुआत की है, क्योंकि एग्जाम आने वाले, जैसे शिक्षक भर्ती का पेपर होने वाला है, इधर लेखपाल का भी है और पुलिस का भी पेपर आने वाला है, तो इन सब, और ग्रुप डी का भी पेपर रेलवे का, तो ये सब पेपरों को देखते हुए तो हमने करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की है, और उस सीरीज का संचालन करने जा रहे हैं भाई। जो करंट अफेयर की सीरीज है उसका आज पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और भैया इसमें कमेंट करो, है ना, कमेंट के अलावा। और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैंने उठाया है जो हर एग्जाम में आना है। इस सीरीज में हम करेंगे कि जैसे कोई बड़ा टॉपिक है तो उसको एक ही कंप्लीट करते हैं, और कई सारे अब डेली करंट की एक वीडियो लेके हम आएंगे। आज देखते हैं, आज के दिन हम दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आप लोग इसी तरह से प्यार बनाते रहिए भैया, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। और एक चीज और जान लो भाई, कि कई लोगों का फोन आया कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आप लोग बीच बीच में चेक कर लिया करो, टेक्निकल इशू हो, कई चीजें दिक्कत आ रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है काफी लोगों के पास, काफी लोगों के पास पहुंच भी रहा है। आज का हमारा जो टॉपिक है करंट का, उसका नाम है भैया केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। इतना महत्वपूर्ण है ना, सुपर टेट का जिसका पेपर, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। यूपी लेखपाल की बात की जाए, यूपी पुलिस की बात की जाए, दरोगा की बात की जाए, जितने एग्जाम है उनके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, और भैया छपेगा। पहला जैसे क्वेश्चन है केन बेतवा परियोजना, क्वेश्चन का नाम क्या है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। तो पहले तो एक शब्द आया केन, और दूसरा क्या आया बेतवा। ये बच्चा दो नदियां हैं, दो नदियों को आपस में जोड़ना, दोनों नदियों का पानी आपस में मिलाना, इस परियोजना का देखो एक एक चीज समझो। केन बेतवा, है ना, केन क्या है, एक नदी है, और एक कौन है, बेतवा। आपको पता होगा जैसे बात की जाए भारत के बारे में, तो आपको पता है जैसे हमने कहा इधर देखो भैया, इधर हमने कहा ये गंगा नदी है, कौन है, गंगा। अब गंगा कहां से निकलती है, ये सब नदी जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, है ना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है, ना, सबसे पवित्र कौन है, गंगा है, गंगा पंचप्रयाग से आती है, सब बातें करेंगे। आप यहां से थोड़ा समझो, हमने कहा ये कौन सी नदी है, गंगा, और गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है, यमुना। और यमुना गंगा से कहां मिलती है भैया, यूपी, यूपी में आपको पता है कहां मिलती है, प्रयागराज, कहां मिलती है, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में मिलती है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना है। बच्चा एक शब्द आया सहायक नदी, क्या होती है, सहायक नदियां वे नदियां होती हैं जो अपने पानी को दूसरी नदी को दे दे और अपने आप को क्या कर दे, समाप्त। जैसे यहां पर आप देखो गंगा बहते हुए आ रही थी, उत्तराखंड से गंगा बहते हुए आई, और भैया उसी के साथ उत्तराखंड से भी निकलती यमुना, यमुना भी बहते हुए आई और इलाहाबाद के प्रयागराज पहुंची, कहें अब हम ना चल पाएंगे, जौन है हमारा पानी तुम ले लो बहनी, तुम चली जाओ आगे, ठीक है ना। ये किसने कहा, यमुना ने, किसने कहा, यमुना। तो यमुना अपना पानी किसको देती, गंगा, तो इसलिए गंगा की क्या हो जाएगी, सहायक नदी। अब ये क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना, गंगा की सहायक नदी कौन है, यमुना, बोलो कंप्लीट हुआ। तो वे नदियां जो अपने पानी को दूसरी नदी को दे दे और पाए आपका समाप्त कर ले, क्या होती, सहायक, क्या होती है, सहायक। तो गंगा ये कौन है, गंगा है, ये कौन है, यमुना। और यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां, आप देखो यमुना की एक सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल। क्या नाम है, चंबल, नाम सुने होंगे चंबल के डाकू, पान सिंह तोमर पिक्चर देखे हो तो पता होगा, ये नदी है चंबल। दूसरी नदी की बात करें भैया कौन है, बेतवा, कौन है, बेतवा। और भैया शिक्षक भर्ती वाले जान ले, क्वेश्चन आता है बेतवा नदी पर कौन सा बांध है, माता टीला बांध है, ठीक। अगली नदी का नाम है भैया जिसका नाम होता है जैसे चंबल, बेतवा, और इधर कौन है, केन, कौन है, केन, चंबल, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक है, यमुना, गंगा की। देखो भाई गंगा की सहायक कौन है, यमुना, और यमुना की सहायक कितनी हो गई, तीन, चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन नदी है, ठीक है ना। और हमको पढ़ना क्या है, बेतवा केन, क्या पढ़ना है, केन बेतवा परियोजना, केन नदी का पानी किसमें देना है, बेतवा, किसमें देना है, बेतवा में देना है। इस परियोजना के द्वारा क्या होगा, जो ये केन नदी है इसका पानी किस नदी में जाएगा, बेतवा नदी में जाएगा। तो क्वेश्चन आ जाएगा केन और बेतवा किसकी सहायक नदी है भैया, तो ये किसकी होंगी, यमुना की, किसकी होंगी, यमुना नदी की सहायक होंगी, बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। और इधर आपको पता होगा चंबल, और चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है छिप्रा, क्या नाम है, छिप्रा, और छिप्रा पर आपको पता है उज्जैन शहर है, कौन सा है, उज्जैन। तो भैया छिप्रा किसकी सहायक है, चंबल की, चंबल किसकी, यमुना की, यमुना किसकी है, गंगा की, ठीक है ना। अब बात की जाए बेतवा किसकी है, यमुना की, केन किसकी है, यमुना की। आपको पता है केन नदी के किनारे पन्ना राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क है, ठीक। बहुत सारी बातें वो ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे भैया, ठीक है ना, करंट का मुद्दा देखते हैं।
तो यहाँ पर जो चलाया जा रहा है जो परियोजना है जिसका नाम क्या है भैया, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, इनको आपस में जोड़ना। तो केन नदी का पानी किसमें डालना है, बेतवा में डालना है, समझना थोड़ी सी बात। दूसरी चीज आपको पता है, इस परियोजना के बारे में चर्चा 1980 से हुई, लगातार थोड़ी थोड़ी बातें होती थी, अब जाके वर्तमान में कब भैया 2021, कब भैया 2021 में इसको पैसे देके मंजूरी दे दी गई। बीजेपी सरकार ने इसको पैसे दिया, आवंटित किया और इसको क्या दे दी गई, मंजूरी। और इसकी शुरुआत भैया चर्चा कब हुई थी, 1980 से चल रही केन बेतवा नदी परियोजना को जोड़ने के लिए। देखो पहला है जैसे कैबिनेट ने 44,000 क्या लिखा है भैया, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट, 44,605 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो पूछा जाएगा केन बेतवा नदी को आपस में पानी को जोड़ने के लिए कैसा कितना पैसा आवंटित किया गया है, 44,605 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है ना। तो कितना भैया 44,000, आप देखो यहां पर डाटा लिखा है 44,605 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। पूछा जाएगा कि कितने साल में ये बनके तैयार की जाएगी, ये परियोजना कितने साल तक चलेगी भैया, 8 साल तक, कितने साल तक, 8 साल तक कंप्लीट होगी ये, कितने साल में कंप्लीट की जाएगी, 8 साल में कंप्लीट की जाएगी भैया। दूसरी बात देखो भैया, अब इससे कहा जाएगा इस परियोजना के द्वारा कितनी बिजली बनाई जाएगी, तो इसके द्वारा 103 मेगावाट, कितनी भैया 103 मेगावाट, देखो ये पॉइंट लिखा है 103 मेगावाट क्या बनाई जाएगी, जल बिजली, क्या बनाएगी, जल विद्युत का निर्माण किया जाएगा। मतलब पानी के द्वारा कितनी बिजली बनाई जा रही है, 103 मेगावाट, और इसी में 27 मेगावाट, कितना भैया 27 मेगावाट क्या बनाई जाएगी भैया, आप देख रहे होंगे 27 मेगावाट क्या बनाई जाएगी, सौर ऊर्जा, क्या निर्माण किया जाएगा, सौर ऊर्जा। तो जल विद्युत कितना बनाया जा रहा है, 103 मेगावाट, और भैया 27 मेगावाट क्या बनाई जाएगी भैया, सौर ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। तीसरी बात करते हैं, इसका निर्माण जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है इसका संचालन कौन कर रहा है, तो केबीएल, केबीएल का मतलब क्या है, केन बेतवा, ये देखो केन बेतवा लिंक परियोजना, KBLPA, तो केन बेतवा लिंक परियोजना अथॉरिटी। कोई पूछ ले केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का निर्माण कौन कर रहा है भैया, तो केन बेतवा लिंक परियोजना अथॉरिटी कर रही, इसका निर्माण कौन कर रहा है, ये कर रही भैया। और ये किसके अंतर्गत आएगी, केन बेतवा लिंक परियोजना अथॉरिटी जो हो ये किसके अंतर्गत कार्य करेगी, नीरा। एक शब्द आया नीरा क्या है, देखो इस समय बड़ा चर्चा में है, क्वेश्चन आएगा नीरा क्या है, तो नीरा क्या है, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए भारत सरकार ने एक संगठन का निर्माण किया है और उसका नाम क्या है, नीरा। क्या नाम है, नीरा। भारत सरकार ने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम क्या है, नीरा। नीरा क्या है, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जिस संगठन का निर्माण किया गया उसका नाम क्या है, नीरा। नीरा का मतलब क्या है, नेशनल। देखो देखो आपको इतना याद रखना है, नीरा क्या करेगा, तो नीरा क्या करेगा भैया, क्या करेगा, नदियों को आपस में जोड़ेगा। देखो नेशनल इंटरलिंकिंग फॉर रिवर अथॉरिटी, तो नीरा क्या करेगा, नदियों के पानी को आपस में जोड़ने के लिए जो भारत सरकार ने एक संगठन बनाया उसका नाम क्या होगा, नीरा। नीरा किसके अंतर्गत आएगा, जल मंत्रालय, किसके अंतर्गत आएगा, जल मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। और नीरा ने किसका निर्माण किया है, केन बेतवा लिंक परियोजना अथॉरिटी, जो किसका निर्माण करेगी, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को संचालित करेगी। बोलो समझ में आ रहा भैया, तो इसके द्वारा केन बेतवा नदी आपस में जुड़ जाएंगी तो लाभ क्या होगा, तो लाभ के बारे में बात करें तो एमपी के 3 जिलों को लाभ होगा, हाँ मध्य प्रदेश के 3 जिलों को लाभ होगा, जिसमें पहला कौन होगा, छतरपुर। आपने सुना होगा एमपी का एक जिला जिसको बोलते हैं छतरपुर, दूसरा कौन है, पन्ना, और तीसरा कौन है, टीकमगढ़। कौन है, टीकमगढ़। तो एमपी के कितने जिले होंगे, 3, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, बोलते रहो भाई, और इसको लिख लेना, छपेगा एग्जाम में, छपेगा। तो कौन होगा, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़। और यूपी के भी 3 जिलों को क्या होगा, लाभ होगा, कौन, बांदा, महोबा, झांसी, बांदा, महोबा, झांसी, ये क्षेत्र जो होते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र कहलाते हैं। तो भैया पूछ लिया जाएगा कि केन बेतवा नदी जब आपस में जुड़ जाएंगी तो सबसे ज्यादा लाभ किस क्षेत्र को होगा, तो बुंदेलखंड को, किसको होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र को क्या होगा, सबसे ज्यादा लाभ होगा बच्चा। और भैया यूपी के कितने जिलों को लाभ होगा, 3, ये इंपॉर्टेंट बात होगी, बांदा, झांसी, महोबा, बांदा, महोबा, झांसी, कंप्लीट हुआ। और बात की जाए भैया एमपी के कितने जिले होंगे, 3, कौन, छतरपुर होगा, पन्ना होगा, टीकमगढ़ होगा, कौन होगा, टीकमगढ़ होगा। और भैया कितने
कितने भैया लोगों को भैया पेय पदार्थ उपलब्ध होगा, मतलब पानी पीने वाला जो पानी होगा वो कितने लोगों को मिलेगा इस परियोजना के द्वारा, 62,000 लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध होगा इस परियोजना के द्वारा। तो शायद आप लोग इस परियोजना के बारे में समझ गए होंगे कितना ज्यादा लाभकारी परियोजना है। तो इसी तरह से हम करंट के जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको एक श्रृंखला के रूप में लाते रहेंगे और बहुत सारे प्रश्नों को हम धीरे धीरे हल करेंगे। आप लोग इसी तरह से प्रेम बनाए रहिए और चैनल का विस्तार करते रहिए। भैया धन्यवाद।